आजादी के दिन पाकिस्तानी प्रेम दिखाना पड़ गया भारी। वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटों में धरे गए जीशान और अलीशान। योगी ने तगड़ा इलाज कर दिया, मांग रहे हैं माफी। 15 अगस्त को जब पूरा देश तिरंगे को फहराकर उसे सलामी दे रहा था, उसी समय दो लड़कों ने इस्लामिक झंडा लहराकर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। जिस वक्त भारत के 140 करोड़ लोग आजादी का दिन मना रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के लिए नारेबाजी की गई। और ये सब हुआ योगी के यूपी में। बस फिर क्या था, मुख्यमंत्री योगी ने बिना देरी किए पाकिस्तान समर्थकों का तगड़ा इलाज कर दिया। अभी हाल ही में योगी ने पाकिस्तान के खात्मे का ऐलान किया था और उसी पाकिस्तान के समर्थक अगर यूपी में ऐसी हरकत करेंगे तो एक्शन तो होगा ही। जी हाँ, ये खबर आ रही है यूपी के फर्रुखाबाद से। पूरी खबर क्या है और योगी ने क्या एक्शन लिया, ये सब आपको इस खबर में दिखाएंगे। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर जगह देश का तिरंगा लहराया गया। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ लखनऊ में झंडा फहरा रहे थे, ठीक उसी समय फर्रुखाबाद की सड़कों पर कुछ अलग ही खेल चल रहा था। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा था, उसी वक्त दो मुस्लिम छात्रों ने बाइक से सड़क पर इस्लामिक झंडा निकालकर फहरा दिया। साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। इस्लामिक झंडा फहराते हुए दोनों सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। नतीजा ये हुआ कि योगी की पुलिस ने पाकिस्तानी समर्थकों पर स्ट्राइक कर दी। जी हाँ, वही स्ट्राइक जिसका जिक्र पीएम मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से किया था। लेकिन ये थोड़ी अलग स्ट्राइक थी जो यूपी के सीएम योगी की पुलिस ने की थी। वीडियो वायरल हुआ तो जांच शुरू हो गई। पुलिस ने दोनों छात्रों को बाइक से इस्लामी झंडा रोड पर फहराते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ गंभीर धाराएं लगाकर उन्हें हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया। ये पूरा मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के पटवन गली का था। हैरानी की बात ये थी कि इन मुस्लिम युवकों की बाइक गुजरने से पहले दो युवक और निकले थे, लेकिन उनके हाथों में तिरंगा झंडा लहरा रहा था, लेकिन ठीक उनके पीछे इस्लामी झंडा हर किसी को हैरान कर रहा था। इन युवाओं से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वो कायमगंज के मोहल्ला चिलोली पठान निवासी जीशान पुत्र भूरे खान और अलीशान पुत्र आफताब खान है। दोनों युवकों के खिलाफ समाज में दुश्मनी और अशांति फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है, जो नगर चौकी प्रभारी विद्या सागर तिवारी ने दर्ज किया। चौकी अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने भारत में रहकर देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाया है। उन पर आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों से एक हरे रंग का झंडा मिला है जिस पर उर्दू में कुछ लिखा है। साथ ही उनकी बाइक का कोई अभिलेख नहीं था, इसलिए बाइक एमवी एक्ट के तहत सीज कर ली गई है। अब एक्शन तो होना ही था, क्योंकि सीएम योगी ने ऐसे पाकिस्तान प्रेमियों के लिए ही 15 अगस्त से एक दिन पहले एक मैसेज दिया था। आजादी की त्रासदी, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। तो सुना आपने, योगी की बातों का मतलब ये है कि ना तो पाकिस्तान बचेगा और ना ही भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले, जिसका नजराना आप सबके सामने है। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।